हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में वार्षिक करंट अफेयर के सेट एट को देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है पटना में सोन नदी पर निर्मित पुल का नाम रखा गया है तो पटना में जो पुल बन रही है उसका नाम जो है वशिष्ठ नारायण सेतु रखा गया है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 से केवल वही खिलौना की बिक्री होगी जिस पर निशान होंगे तो जनवरी 2021 के बाद जो है जो भी खिलौना बिकेगा वही खिलौना बिकेगा जिस पर जो है आई एस आई का जो है होल मार्का हो मतलब निशान हो तो वही खिलौना जो है जनवरी 2021 के बाद भारत में बिकेगा तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में आसियान देशों के रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ हुई तो दिसंबर 2020 में आसियान देशों के रक्षा मंत्री की बैठक जो है वियतनाम में हुई थी तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन जो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा उसका डिजाइन किसने तैयार किया है तो नया संसद जो भारत में 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा उसका डिजाइन जो है विमल पटेल ने किया है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा ने भारतीय मूल के किस एस्ट्रोनॉट का चयन 2022 का आर्टेमिस मून मिशन के लिए किया है तो जो 2024 में जो नासा जो है आर्टेमिस मून मिशन जो भेजने वाला है उसमें जो है भारतीय मूल के जो एस्ट्रोनॉट है उनको चयन किया है जिसका नाम है राजचारी तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के सूर सरोवर झील को जो है रामसर साइट का जो है दर्जा दिया गया है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में देश के सबसे लंबे मोटरवेल सिग्नल लेन पुल की उद्घाटन कहाँ हुआ है तो इनमें से जो है राज्य में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिग्नल लेन पुल का जो उद्घाटन हुआ है वह जो है भारत के उत्तराखंड में हुआ है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टीम ने महिला टी ट्वेंटी चैलेंज दो हज़ार बीस का किताब पहली बार जीत लिया है तो दो महिला टी ट्वेंटी चैलेंज दो हज़ार बीस का किताब जो है यह ट्रेडवेलर्ज ने जीता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को पचास परसेंट आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है तो पचास परसेंट आरक्षण देने का जो विधेयक पारित हुआ है यह जो है हरियाणा राज्य में हुआ है महिलाओं को वहाँ जो है पचास परसेंट आरक्षण देने की विधेयक पारित हुआ है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केन स्पीयर्स का निधन हुआ है वह किस रूप से व्याख्यात प्राप्ति व्यक्ति थे तो केन स्पेयर्स का जो निधन हुआ है हाल में वह जो है एक प्रकार के टेलीविज़न संपादक थे तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी के अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है तो हाल ही में जो है कॉलिंस डिक्शनरी ने जो है अपना वर्ल्ड ऑफ़ द ईयर 2020 जो है निम्नलिखित में से जो है लॉकडाउन को चुना है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है क्योंकि 2020 में जो है सबसे ज़्यादा क्या लगा था लॉकडाउन था कोरोना और लॉकडाउन जिसमें जो है लॉकडाउन अधिक समय तक लगा इसलिए जो है कॉलिंस डिक्सनरी ने जो है अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो है लॉकडाउन को चुना है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2020 में भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने तो वित्त वर्ष 2020 में जो है भारत के सबसे उदार व्यक्ति जो है अजीम प्रेमजी बने तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन है आलिया जाफ़र निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में शामिल हुई है तो आलिया जाफ़र जो है निम्नलिखित में से जो है क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में शामिल हुई है यह जो है पाकिस्तान देश में हुई है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चित पुस्तक योर बेस्ट डे इज़ टू डे नामक पुस्तक किसने लिखी तो योर बेस्ट डे इज टू डे नामक पुस्तक जो है निम्नलिखित में से अनुपम खेर ने लिखा है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने विश्व का पहला सिक्स जी सेटेलाइट लॉन्च किया है तो सिक्स सिक्स जी सेटेलाइट लॉन्च करने वाला जो विश्व का पहला देश बना है वह चीन बना है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तेरहवें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया है तो हाल ही में तरहवे अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का जो उद्घाटन है निम्नलिखित में से जो है हरदीप सिंह पुरी ने किया है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अबसारी एस सी ओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है तो हाल ही में जो है अबसारी एस सी ओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से व्लादिमिर पुतिन ने किया है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है तो हाल ही में जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ग्यारह नवंबर 2020 को मनाया गया है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है तो सुशासन के लिए जो है मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वह जो है मणिपुर है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस में एक हज़ार मैच जीतने वाले चौथे चो, टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं तो टेनिस में एक हज़ार मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी जो है राफेल नडाल बने हैं तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है तो यह जो था टॉप ट्वेंटी करंट अफेयर्स क्वेश्चन था तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू